सो ये हमारे पास रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर सेकंड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स, ट्रैफिक कैरिड एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इंडियन रेलवेज आर जनरली क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, ट्रंक लाइन्स, मैन लाइन्स एंड ब्रांच लाइन्स। सो वन बाई वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रंक रूट्स के बारे में। टेबल 1.3 शोज द स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रंक रूट्स एज प्रोवाइडेड बाय रेलवे बोर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास बैलास्ट कोहिजन फॉर ब्रॉड गॉज एंड मीटर गॉज के लिए। अगर हम देखेंगे इसमें इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज बैलास्ट कोहिजन आर जनरली प्रोवाइडेड 25 सेंटीमीटर बिलो स्लीपर एंड इन केस ऑफ मीटर गॉज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड 25 सेंटीमीटर बिलो स्लीपर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ कर्वेचर। इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना प्रोवाइड करते हैं 7.5 डिग्री एंड इन केस ऑफ मीटर गॉज इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। अब सूटेबल डिग्री मीन्स सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन स्पीड फॉर न्यू ट्रैक। फॉर ब्रॉड गॉज के लिए हमारे पास है 160 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर मीटर गॉज के लिए है 100 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी है फॉर ब्रॉड गॉज के लिए है 120 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर मीटर गॉज इज 80 किलोमीटर पर आवर। रेल सेक्शन अगर हम देखेंगे ब्रॉड गॉज के केस में हम कौन सा यूज़ करते हैं 52 kg per meter एंड मीटर गॉज के केस में 37.2 kg per meter। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मैन लाइन्स। टेबल 1.4 शोज द स्पेसिफिकेशंस आर मैन लाइन एज प्रोवाइडेड बाय रेलवे बोर्ड। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास डिजाइन स्पीड फॉर न्यू ट्रैक्स इन केस ऑफ मैन लाइन्स फॉर ब्रॉड गॉज के लिए है 120 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर मीटर गॉज के लिए है 75 किलोमीटर पर आवर। सेकंड पॉइंट है इसमें GMT per annum। GMT मीन्स ग्रॉस मिलियन टन्स, कितना वेट जो है मैन लाइन्स के केस में ब्रॉड गॉज कैरी करता है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 ग्रॉस मिलियन टन एंड इन केस ऑफ मीटर गॉज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2.5। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर मैन लाइन्स इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर मीटर गॉज इज 75 किलोमीटर पर आवर। रेल सेक्शन कौन सा यूज़ करते हैं हम ब्रॉड गॉज के केस में इन केस ऑफ मैन लाइन्स 52 kg per meter एंड फॉर मीटर गॉज हमारे पास है 37.2 kg per meter। ट्रैक रिलेइंग पीरियड इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज इट्स 20 ईयर्स एंड इन केस ऑफ मीटर गॉज इट्स 30 ईयर्स। ट्रैक रिलेइंग पीरियड मीन्स कितने साल के बाद जो है ट्रैक को रिले किया जाता है, दोबारा उसको ले किया जाता है। तो ब्रॉड गॉज के केस में हम 20 ईयर्स के बाद ले करते हैं और मीटर गॉज के केस में हम 30 ईयर्स के बाद रिले करते हैं। सो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास ब्रांच लाइन्स। अब इन केस ऑफ ब्रांच लाइन्स ब्रॉड गॉज कैरी लेस देन आर इक्वल टू 10 GMT per annum ग्रॉस मिलियन टन्स एंड इन केस ऑफ मीटर गॉज कैरीज लेस देन आर इक्वल टू 2.5 GMT per annum। तो डेट्स वाई दे आर टर्म्ड एज ब्रांच लाइन्स। अगर हमारे पास जो है ब्रॉड गॉज जो है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10 GMT कैरी करेगा और मीटर गॉज जो है 2.5 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2.5 GMT कैरी करेगा, तब हम उसको हम मेन लाइन्स में कंसिडर करते हैं। बट इफ दे कैरी लेस दैन आर इक्वल टू 10 एंड लेस दैन आर इक्वल टू 2.5 रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ ब्रॉड गॉज एंड मीटर गॉज देन द लाइन्स आर कंसिडर्ड एज ब्रांच लाइन्स। इन दिस केस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इज लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर फॉर ब्रॉड गॉज एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इज लेस देन 75 किलोमीटर पर आवर फॉर मीटर गॉज। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस यूनिट। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है हु इन्वेंटेड ट्रेन। रिचर्ड ट्रेविथिक वॉज द पर्सन हु इन्वेंट्स द ट्रेन। इन 1804 फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव रेलवे यूजिंग अ लोकोमोटिव पेनी डायरिन यूज टू कैरी आयरन इन व्हील्स। तो 1804 में फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव रेल को यूज किया गया था आयरन को कैरी करने के लिए व्हील्स में। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे है इन्वेंटर ऑफ रेलवेज और सिंपली वी कैन से डेट इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन ट्रेन। तो जॉर्ज स्टेफेंसन वॉज द पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज इन्वेंटर ऑफ रेलवेज और इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन ट्रेन। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कोल ट्रेन। जॉर्ज स्टेफेंसन को हम फादर ऑफ रेलवेज भी मानते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे है नेम ऑफ फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया में स्टार्ट की गई थी उसका नाम क्या था, साहिब सिंध एंड सुल्तान। इट वॉज हॉल्ड बाई 3 इंजन्स, डेट्स वाई इट्स टर्म्ड एज साहिब सिंध एंड सुल्तान। ये इंजन्स के नाम थे। पॉइंट नंबर फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है इंडियन स्टेट हैविंग नो रेलवे स्टेशन। तो इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। मेघालय है, त्रिपुरा एंड नागालैंड एटसेट्रा आर द स्टेट्स विच हैव नो रेलवे स्टेशन। इंडियन स्टेट हैविंग नो ट्रेन सर्विस। तो सिक्किम एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसमें कोई भी ट्रेन सर्विस अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंट्री हैविंग नो रेलवे लाइन। तो आइसलैंड एंड द भूटान आर द टू कंट्रीज विच हैव नो रेलवे लाइन। पॉइंट नंबर सिक्स हमारे पास यहाँ पे है कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट फुल स्केल ट्रेन सर्विस। तो इट वाज यूके हु स्टार्टेड द फर्स्ट फुल स्केल ट्रेन सर्विस। पॉइंट नंबर सेवन्थ हमारे पास यहाँ पे है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। इट्स दनियांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज इन चाइना। इट्स लेंथ इज 164.8 किलोमीटर।
पॉइंट नंबर एट हमारे पास यहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड, तो इट्स गोथार्ड बेस टनल, इट्स लेंथ इज 57 किलोमीटर। पॉइंट नंबर नाइन्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया कौन सा है? लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया इज डोला सदिया ब्रिज, और इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, इट्स लेंथ इज 9.15 किलोमीटर। सो पॉइंट नंबर टेंथ हमारे पास यहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया इज बोगीबील ब्रिज, इट्स लेंथ इज 4.94 किलोमीटर। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है? बोगीबील ब्रिज है, जिसकी लेंथ है 4.94 किलोमीटर। पॉइंट नंबर इलेवंथ हमारे पास यहाँ पे है, फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कौन सी है? गाटीमान एक्सप्रेस, इट्स स्पीड इज 160 किलोमीटर पर आवर। अगर हम देखेंगे फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर है, बट ऑन फील्ड पे अगर हम देखेंगे वो एक्चुअली जो है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रन करती है। तो डेट्स वाई गाटीमान एक्सप्रेस आर टर्म्ड एज फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया विच मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट नंबर ट्वेल्थ हमारे पास यहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, तो इंडिया का अगर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है? इट्स दिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, कवर्ड बाई विवेक एक्सप्रेस। अगर हम देखेंगे डिस्टेंस कितना कवर करती है, ये 4286 किलोमीटर, और ये 5 दिन की जर्नी है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया। पॉइंट नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया की सबसे लंबी रेलवे रूट की बात करेंगे तो वो कौन सी है? इट्स ट्रांस सिबेरियन रेलवे रूट, द मास्को व्लादिवोस्टोक लाइन। डिस्टेंस कितना कवर करती है ये ट्रेन? 9289 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 14 हमारे पास है, इंडियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है? इट्स थिरुवनंतपुरम सेंट्रल रूट, कवर्ड बाय सिलचर एक्सप्रेस, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ट्रेन इज 3932 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इंडियाज थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है? इट्स फ्रॉम जम्मू तवी टू कन्याकुमारी, कवर्ड बाय हिमसागर एक्सप्रेस, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ट्रेन इज 3787 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 16 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है? इट्स पीरपंजर रेलवे टनल, आर सिंपली नोन एज भानियाल रेलवे टनल। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 11.215 किलोमीटर। इट्स इन बिटवीन काजीकुंड टू भानियाल। ये जो जम्मू तवी उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन जो है उसके बीच में ये टनल आता है। पॉइंट नंबर 17 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इंडिया का कौन सा है? इट्स नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। पॉइंट नंबर 18 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, लार्जेस्ट रेलवे जोन इंडिया में कौन सा है? इट्स नॉर्थर्न रेलवे जोन, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1952, इट्स हेडक्वार्टर दिल्ली। अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट रेलवे जोन इन टर्म्स ऑफ लेंथ कितना डिस्टेंस कवर करता है? 6807 किलोमीटर। इट वॉज क्रिएटेड बाई मर्जिंग ऑफ जोधपुर ईस्टर्न पंजाब एंड 3 डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडियन रेलवेज, तो इन जोन को मर्ज करके ये जोन बनाया गया था। इन 1986 फर्स्ट कंप्यूटराइज पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो है नॉर्थर्न रेलवे जोन ने ही स्टार्ट किया था। इट होल्ड्स द रिकॉर्ड सर्टिफाइड बाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट रूट रैली इंटरलॉकिंग, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रेलवे जोन का नाम है फॉर द लार्जेस्ट रूट रैली इंटरलॉकिंग सिस्टम। रूट रैली इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है? एक सिग्नलिंग सिस्टम है, तो इट हैज लार्जेस्ट सिग्नलिंग सिस्टम, तो डेट्स वाई इट्स कंसिडर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इट्स अ मॉडर्न डे सिग्नलिंग सिस्टम, फर्स्ट इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव स्टिमुलेटर्स जो है वो भी नॉर्दर्न रेलवे ने ही स्टार्ट किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाई नॉर्दर्न रेलवेज एट कानपुर एंड तुगलाबाद। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू सब जोन्स, अब इसके अंडर कौन कौन से जोन आते हैं? अम्बाला है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, लखनऊ है और फिरोजपुर है। पॉइंट नंबर 19 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इंडियन रेलवे ऑन्स अप्रोक्सिमेटली 4.77 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एज ऑफ मार्च 3, 2018, तो इंडियन रेलवे के पास जो अपनी लैंड है वो कितनी है? 4.77 लाख हेक्टेयर्स। पॉइंट नंबर 20 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया कौन सा है? इट्स सोथर्न रेलवे जोन, इट वॉज क्रिएटेड ऑन 14 अप्रैल 1951। पॉइंट नंबर 21 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इंडियन स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स, तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है यूपी, इट हैज रेलवे रूट लेंथ ऑफ 8,726 किलोमीटर। सेकंड वन इज राजस्थान, इट हैज 5,780 किलोमीटर, एंड द थर्ड इज महाराष्ट्र 5,602 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 22 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, बिगेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया, तो विच इज द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया? इट्स मथुरा जंक्शन, 7 रूट्स इमर्जेस फ्रॉम दिस स्टेशन, तो जो मथुरा जंक्शन जो है इससे 7 रूट्स आगे इमर्ज होती है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, विच इज इंडियाज बिगेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, और सिंपली वी कैन से डेट विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो इट्स गोरखपुर यूपी में जो है ये प्लेटफॉर्म एक्जिस्ट है। इसकी लेंथ जो है अप्रोक्सिमेट 1.36 किलोमीटर। इट्स नॉट ओनली इंडियाज लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड रेलवे एंड इंडियन रेलवे। आई होप कि आपको यहां तक मैंने सारी चीजें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है
तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.